जहाँ बालक और भेड़िया। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वे रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास स्थित घास के मैदान में जाता था। वहां वे भेड़ों को चराने के लिए छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। यही उसका दिनचर्या थी। एक दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता था कि काश मेरे जीवन में भी कुछ मजा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे एक मजाक सूझा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, अरे अरे देखो देखो मेरी भेड़ों को लेकर चला जाएगा, अरे भेड़िया आया भाई, भेड़िया आया। वहां से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाही बालक की आवाज सुनकर वे अपना काम छोड़कर उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे तो वे ठाके मार कर हंसने लगा। बड़ा मजा आया। किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाही बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आता देखने में बड़ा मजा आया। उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उसे फिर से मस्करी सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान अनहोनी की आशंका में फिर से दौड़े चले आए, जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से जोर जोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब जब वह किसानों को इसी तरह भेड़िया आया कहकर बुलाता रहा, बालक के साथ कोई अनहोनी न हो जाए ये सोचकर किसान भी आते रहे, लेकिन वे उसकी शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था कि सच में एक भेड़िया वहां आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया भाई, भेड़िया आया। लेकिन उसकी शरारतों से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वे उसकी सहायता के लिए नहीं गए। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेत में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा, आज सचमुच भेड़िया आया था, वह मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया और तुम लोग मेरी मदद को नहीं आए। उसने मेरी बहुत सारी भेड़ों को खा लिया है। किसान बोले, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसलिए हमसे कोई मदद की ले नहीं आया। चरवाही बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान भी नहीं करेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बार बार झूठ बोलने से लोगों के विश्वास पर चोट पहुंचती है और उनका विश्वास टूट जाता है। किसी का विश्वासपात बनना है तो हमेशा सच्चाई के साथ रहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू।